ठंडी थी तो गर्म पानी से नहा लिए, अब जब गर्मी आ जाएगी तो हम ठंडे ठंडे पानी से नहाने लग जाएंगे। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका हमारे हेयर पे क्या इफेक्ट होता है? Hey guys, this is Shivani and welcome to Traya, your information portal to everything related to health. And in today's video, we will look at how water and its temperature can have an effect on your hair. First of all, I am very sure कि सबको ये भी नहीं पता है कि वाटर के टेम्परेचर का भी हेयर पे एक बुरा या अच्छा इफेक्ट हो सकता है। हम तो यही सोचते आ रहे हैं कि कैसे भी पानी और शैम्पू से बाल धो लो और वो ठीक रहेंगे, है कि नहीं? पर अकॉर्डिंग टू साइंस, कोल्ड वाटर और हार्ड वाटर दोनों भी हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट इफेक्ट ऑन हेयर एंड कैन कॉज हेयर ब्रेकेज, ड्राइनेस ऑफ स्कैल्प, फ्रिजी और डल लुकिंग हेयर एंड इवन लीड टू हेयर लॉस। But how does this occur? तो उसके लिए we'll need to deep dive into the science of hair. अपने हेयर को हम दो अलग parts में categorize कर सकते हैं। सबसे पहला part है root, living part of your scalp, जहाँ से बाल उगते हैं। And then there is shaft of the hair, which is the hair strand. और water temperature has an effect of both the roots and the shaft of your hair. तो root पे इसका क्या effect होता है? जब वार्म वाटर रूट तक पहुंच जाता है तो इट एक्सपांड्स योर हेयर फॉलिकल्स एंड ओपन्स इट अप नेचुरली, जबकि कोल्ड वाटर हैज एन एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स द हेयर फॉलिकल्स एंड बाइंड्स देम अप टाइटली। इसकी वजह से हेयर फॉल कम होता है एज इट टाइटली ग्रिप्स योर हेयर फॉलिकल्स ऑन टू योर हेयर शाफ्ट। व्हाइल हॉट वाटर कॉजेज हेयर डैमेज, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? जब आप अपने बालों को गर्म पानी से वॉश करते हो तो हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर डैमेजेस एंड ब्रेक्स द केराटिन एंड लिपिड बॉन्ड्स ऑफ योर हेयर क्यूटिकल्स। केराटिन एंड लिपिड बॉन्ड्स आर द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द हेयर शाफ्ट व्हिच आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द हेयर फ्रॉम ब्रेकेज, हीट डैमेज एंड फ्रिजीनेस। ये इसलिए होते हैं कि हॉट वाटर रप्चर्स द क्यूटिकल्स, जबकि कोल्ड वाटर आपके रप्चर्ड हेयर क्यूटिकल्स रिपेयर करके आपके केराटिन एंड लिपिड बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोल्ड वाटर ही आपको यूज करना चाहिए, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। सो लेट्स लुक एट द बेनिफिट ऑफ वॉशिंग योर हेयर विद कोल्ड वाटर फर्स्ट। नंबर वन, प्रिजर्व्स नेचुरल ऑयल्स। कोल्ड वाटर बाथ्स एंड हेयर वॉश हेल्प्स यू टू रिटेन द नेचुरल हेयर मॉइस्चर as it preserves the natural oils and sebum onto your hair, जो आपके scalp और बालों को hydrated रखते हैं। Sebum आपके scalp को environmental hazard से भी बचाता है। Second, it makes your hair soft and shiny. By tightening the elevated hair cuticles, cold water keeps the keratin and other protein bonds in your hair intact, जिसकी वजह से आपके hair की frizziness कम हो जाती है and your hair has a more soft and shiny texture. Number 3, helps with a clean scalp. Because cold water closes the open pores on your scalp, it prevents dirt, toxic pollutants, sweat and grease from settling down onto your scalp. This takes care of both hygiene and hair damage caused by environmental factors. Number 4, improves blood circulation. Blood capillaries are delicate blood vessels which transport blood and oxygen and other nutrients to all your organs and body systems. And when you wash your hair with cold water, your blood capillaries open wider, because of which there is a free flow of blood to the scalp, jiski wajah se aapka hair healthy aur grow hoga. These were the advantages of washing your hair with cold water, but there are a couple of disadvantages as well, so let's look at them. Number 1, reduces hair volume. जब आप ठंडे पानी से कुछ ज्यादा ही नहा लेते हो तो देर आर चांसेस दैट आपके हेयर क्यूटिकल्स कुछ ज्यादा ही मॉइस्चर रिटेन कर लें। इसकी वजह से आपका हेयर काफी फ्लैट हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड हेयर वॉल्यूम। नंबर 2, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोल्ड। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये तो सही है, पर ठंडे पानी से ही नहाने के बाद सर्दी और खांसी हो जाती है, स्पेशली इन रेनी एंड कोल्ड विंटर्स। इट इज एडवाइजेबल टू नॉट टेक अ बाथ विद कोल्ड वाटर। ये तो हो गया कोल्ड वाटर का, बट नाउ लेट्स फोकस ऑन हॉट वाटर एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स ऑन योर हेयर। सो वी विल स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ हॉट वाटर फर्स्ट। नंबर 1, क्लियर स्कैल्प बिल्डअप। हॉट वाटर इज बेटर टू वॉश योर हेयर विद कंपेयर टू कोल्ड वाटर इफ यू वॉन्ट टू क्लियर योर स्कैल्प ऑफ डर्ट, ग्राइंड, प्रोडक्ट बिल्डअप, एक्सेसिव ऑयल्स एटसेट्रा।
इसकी वजह से आपका स्कैल्प के पोर्स ओपन अप हो जाते हैं एंड हेयर फॉलिकल्स को एफिशिएंटली बाहर आने के लिए स्पेस मिल जाती है। नंबर टू, प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शंस। बिकॉज हॉट वाटर हेल्प्स क्लियर स्कैल्प बिल्डअप इजीली, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी स्कैल्प इन्फेक्शंस दैट माइट हैपन ड्यू टू वेरियस प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड अदर फैक्टर्स दैट माइट कॉज इन्फेक्शन टू द हेयर। नाउ दैट वी आर डन विद द बेनिफिट्स ऑफ वॉशिंग योर हेयर, let's have a look at the disadvantages of washing your hair with hot water. Number 1, dryness and fizziness. As we said before, hot water ki wajah se aapke baalon mein jo natural oils rehte hain wo sare nikal jate hain, causing dryness and fizziness. Number 2, it damages hair roots. Hot water opens up your pores which weakens the hair root that is exposed to dirt, aur isse grip bhi loose ho jata hai jiski wajah se hair fall increases. नंबर 3, causes dandruff. गर्म पानी का हाई टेम्परेचर कैन डैमेज योर स्कैल्प टिश्यूज एंड कॉज इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन एट द हेयर रूट्स, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ भी हो सकता है। ऑल्सो ये आपके स्कैल्प पे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने में इशू क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से अगेन आपको हेयर लॉस हो सकता है। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू यूजिंग बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, तो फिर करें तो क्या करें? वेल, if you ask Ayurveda, then the best temperature to wash your hair is with lukewarm water. Basically, आपको ऐसे पानी से आपके बाल धोने होंगे जो आपके बॉडी टेम्परेचर से सिर्फ थोड़ा ही ज़्यादा गर्म है। So basically, wash your hair at 100 degree Fahrenheit or 38 degree Celsius and उसके बाद एक बार कोल्ड वाटर से एंड में बाल धो लो so that your pores open up. During summer, you need to try shampooing with a lower temperature water than usual as well. So to summarize the whole video, obviously cold water is better than hot water, but there is also a difference between hot and lukewarm water. And taking a bath with lukewarm water and rinsing your hair with cold water is the best you can do for your hair and scalp. So this was our video about what temperature of water is best suited for your hair. Let us know in the comments below if you have been using hot or cold water to wash your hair. And tell us the results of the technique that I have told today. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू थ्राया हेल्थ फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।